तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस की जरूरत क्या है। देखो, एक नेमाटोड होता है जिसका नाम होता है मेलोडिगाइन इनकोविनेशिया। ये इन्फेक्ट करता है टोबैको की रूट को, जिससे टोबैको की रूट में गांठें बढ़ जाती हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं रूट नोट डिजीज। और रूट नोट डिजीज के कारण टोबैको का यील्ड या प्रोडक्शन कम हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोबैको प्लांट इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा कमा कर देता है। तो इस रूट नोट डिजीज को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो कि मेलोडिगाइन इनकोग्निशिया इन्फेक्ट करता है टोबैको की रूट को, उसके बाद मतलब टोबैको की रूट में घुसने के बाद मेलोडिगाइन इनकोग्निशिया अपने डीएनए से डीएनए बनाता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाता है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस कर टोबैको के अंदर एक डिसीज करता है जिसका नाम है रूट नोट डिसीज, जिसे ईड कम हो जाती है, मतलब टोबैको का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक, अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस के नाम में ही काम छिपा हुआ है, मतलब आरएनए को इंटरफेयर कर दो, मतलब मेलोडिगाइन इनकोग्निशिया को हम टोबैको की रूट में घुसने तो देंगे बिल्कुल, और उसका डीएनए से डीएनए भी बनाने देंगे और डीएनए से आरएनए भी बनाने देंगे, लेकिन जैसे ही आरएनए बनेगा हम इसको इंटरफेयर कर देंगे, मतलब इसको नॉन फंक्शनल कर देंगे काट पीट कर, ताकि ये प्रोटीन ना बना पाए। जब प्रोटीन ना बना पाएगा तो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। जब एक्सप्रेशन ही नहीं होगा प्रोटीन का तो रूट नोट डिसीज नहीं होगी, जिससे जो हमारी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। अब हम देखेंगे जो सारे पॉइंट आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी ने लिखे हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक, देखो आरएनए इंटरफेरेंस ना ऑल यूकैरियोटिक डिफेंस की तरह यूज करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, देखो आरएनए इंटरफेरेंस शो करने के लिए हमें एक हथियार मतलब औजार की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसका सोर्स होता है ट्रांसपोजोन्स या फिर वायरस। मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम या तो ट्रांसपोजोन से ले सकते हैं या वायरसेस से ले सकते हैं। ठीक, अब ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन भी कहा जाता है, और आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी लिखती है कि ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, मतलब एक डीएनए एक जीन से कूदकर दूसरे जीन पर जा सकते हैं। ठीक, अब देखो हमने कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इससे या इससे ले लिया, अब इस कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमें टोबैको की रूट के अंदर भी डालना होगा। उसके लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, वो प्लांट के केस में जो वेक्टर यूज होता है उसका नाम है
एग्रोबैक्टीरिया मतलब प्लांट्स के लिए, मतलब प्लांट्स के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। और एनिमल के लिए, एनिमल के अंदर जिस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए वो है रेट्रोवायरस। ठीक है, अब हमने कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम की मदद से टोबैको की रूट में डाल दिया। अब जैसे ही मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया आएगा, टोबैको की रूट में घुसेगा तो हम घुसने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर वो अपने डीएनए से डीएनए बनाएगा, हम उसे डीएनए भी बनाने देंगे। जैसे ही वो अपने डीएनए से आरएनए बनाएगा तो जो हमने कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला था टोबैको की प्लांट के अंदर, वो क्या करेगा? देखो, मान लो ये कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जो हमने डाला था प्लांट की, टोबैको प्लांट की रूट के अंदर, इस पर एक प्रोटीन जिसका नाम है डाइसर, वो एक्ट करेगा और इसके कई सारे फ्रेगमेंट कर देगा। मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए के कई सारे फ्रेगमेंट हो गए। अब एक फ्रेगमेंट जो कि मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया के आरएनए के कॉम्प्लीमेंटरी है, उस फ्रेगमेंट पर एक और प्रोटीन जिसका नाम है रिस्क, वो उसको लेगा। मतलब रिस्क एक प्रोटीन है और वो फ्रेगमेंट जो मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया के आरएनए के कॉम्प्लीमेंटरी है उसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस वाले आरएनए के पास ले आएगा। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक फ्रेगमेंट कोई सा भी, क्योंकि डाइसर ने कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कई सारे फ्रेगमेंट कर दिए ना, अब उसमें से एक फ्रेगमेंट जो कॉम्प्लीमेंटरी है मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया के आरएनए के, उसको रिस्क प्रोटीन लेकर आएगा और इसकी रिएक्शन हो जाएगी जिससे इसका एक फ्रेगमेंट मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया के आरएनए को काट देगा, नॉन फंक्शनल कर देगा, जिससे मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया का आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जब एक्सप्रेशन ही नहीं होगा प्रोटीन का तो डिसीज जो कि होती है रूट नोड डिसीज वो भी नहीं होगी, जिससे हमारी जो परेशानी थी वो सोल्व हो चुकी है। एक और चीज देखो, डीएनए से डीएनए बना, ठीक है, और डीएनए से आरएनए बना। अब सवाल आता है मेलाटोकाइन इनकॉग्निशिया का कौन सा आरएनए? देखो, तीन तरह के आरएनए होते हैं जनरली जो हमारे सिलेबस में है, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए। तो हमने यहाँ पर उस आरएनए को काटा है जो प्रोटीन बनाता है, तो याद रखना प्रोटीन एमआरएनए बनाता है, तो ये वाला कौन सा आरएनए हो? एमआरएनए, ये एम है, ये आरएनए बस आपकी एनसीईआरटी में और नीट के लिए और बोर्ड के लिए ये सफिशियंट है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जो भी टॉपिक आप चाहते हो कमेंट में लिखो, मैं उस पर वीडियो बना दूं।